मैं अपनी परेशानी भी बोलती हूँ, हर चीज़ में बोलती हूँ। आज मेरे भाई आए हुए, मेरे समर्थन में फोन से भाई से ये मैं शुरुआत करी उनसे कि वो किस लिए आया, ऐसा क्या लगा। चलो रेबल भाई जी, जय हिंद, जय भारत, रेबल सदानंद पति। आज सबसे पहले मैं एक बात बताऊंगा कि मुझे ये वीडियो देख के बड़ा दुख हुआ जब मैंने देखा कि पूनम जी के आंसू गिरे, तो तत्काल प्रभाव से मैंने इनको संपर्क किया कि क्या मैटर है क्या नहीं। मना उसके ना, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू हुए, अगर मेरी गलती कुछ होती तो बताते नहीं। अच्छा, किसने आगे पर्सनली बोला आपसे कि आपको नहीं आना है? पर्सनली मुझे किसी ने नहीं बोला, मंच से आवाज थी। मैं उस दिन यही थी, जिस दिन मंच से हुआ था ना, मैं यही इधर अपनी बाइट खत्म कर रही थी, तो मैंने सुन लिया था। फिर उसके तुरंत 5 मिनट बाद एक भाई ने मेरी बाइट, किसी ने शूट किया है मंच का वो वीडियो, मजबूती से रखती है आप, रोई क्यों? सब अपने परिवार से किसी को दूर रहने के लिए कहते हैं। केवन तुझे तेरे परिवार में ना मिलना ना, अगर आप मुझे बनाना चाहेंगे तो मैं बन जाऊंगी। लेकिन ये कहा कि नियत है कि हम पहले किसी गुट में थे या किसी संगठन में थे, वो छोड़ के चले गए तो हम भी चले जाए, क्या हर व्यक्ति के लिए संगठन जरूरी है? हाँ जी, मैं अगले 29 तारीख को मैं मीडिया में आई थी, मैंने बोला था कि उनके संगठन से और उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं यही हूँ और मैं इनके साथ हूँ किसानों के, और बनी रहूंगी, और मैं उनके संगठन से पहले से किसानों के साथ हूँ। अच्छा, मंच से किसने कहा था ये बात? मेरी मीडिया में बाइट चल रही थी, मैंने उनको नहीं देखा जिन्होंने कहा, लेकिन मैंने मीडिया में सुना था और पत्रकार भाइयों ने मुझे फोन करा कि मैम ऐसा ऐसा मंच से हुआ, क्यों हुआ आप बता सकती हैं? मैं यहीं पे मेरी बाइट चल रही थी, मैंने सुना था। आप गाजीपुर बॉर्डर पे हैं, आपने कहा कि आपको यहाँ आने के मना किया गया, तो आप तो भी यहीं मौजूद है ना मैडम? तो क्या हुआ, ये बॉर्डर किसी का थोड़ी है, ये सड़क थोड़ी किसी की है। मान सकते हैं वो मंच होगा इनका, किसानों का नहीं होगा। मेरे हिसाब से तो किसानों का ही मंच है, वो सभी का मंच है, लेकिन इन बातों के कहने से जो है मुझे लग रहा है कि इनका होगा। ठीक है, मैंने तो नहीं कहा आप मुझे मंच दो। तो जब आप आ रही हैं किसान आंदोलन में, तो रोना किस बात का है? आज मैं आई हूँ, मैं कल नहीं आई, तो अब जब मैं कल पूरे दिन नहीं आई, सब लोग मुझे बुला रहे हैं, तो मैं देखती तो ना कि मुझे जाना है उनके पास, मैं कैसे जाऊँ? और कल मैं नहीं मिली तो इस बात का भी मुझे दुख है कि मैं कल नहीं आई, मैं हमेशा कंटिन्यू रहती हूँ। भाई ने मेरे से पूछा, इन्होंने मेरी बात का सहयोग किया। चिल्ला बॉर्डर जाने चाहती थी, किंतु अचानक आप यहाँ प्रोग्राम बन गया, क्या वो क्या कारण था? मैं चिल्ला बॉर्डर, मेरे भाई वहाँ पे थे, मैंने कहा आपके मैं वहीं पे आ जाती हूँ आपके पास, तो आप उधर से हम यहाँ आ जाए। नहीं, मुझे पता है जिस व्यक्ति ने ये बात कही है, मैं उनका नाम भी जानता हूँ, और हम बागी हैं, हम खुल के बात करते हैं। पहले मैं आपको बिना कारण के क्या बोल रहे हैं आप? बिना कारण के कैसे बात कर रहे हैं आप? नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम लीजिए भाई, बोलने का मौका दीजिए, बोलने दो आप। कारण की तो बाद में बात करेंगे, मैंने कहा नाम, कारण नहीं बोला मैंने आपको, पहले आप सुनिएगा अच्छे से। मेरी आज जब पूनम जी से बात हुई, तो यहाँ के मौजूद कई लोगों से मैंने कॉल किया, और अपने समय का इंतजार कीजिएगा, मुझे बोलने दीजिएगा, बीच में इंटरप्ट कीजिएगा, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मैंने पूछा ये मामला क्या, मैंने पहले पूनम से पूछा, अभी भी यहाँ पूछा कि जब मंच पे जो व्यक्ति बोल रहा था, तो वो व्यक्ति इतने लोगों के सामने ही तो बोला होगा ना, कोई तो परिचय रहा होगा, कोई परिचय अवश्य रहा होगा, नहीं तो मंच पे कोई अदना आदमी जाके बात नहीं करता, उसका भी एक आइडेंटिटी है। मैंने आज मैं आपको बता रहा हूँ, मंच यहाँ सबके लिए नहीं है, ये भी किसान के नेता ही आके मंच पे अपना अभिभाषण देते हैं। मेरी आज धर्मवीर तालान से बात हुई, धर्मवीर तालान जो यहाँ पे काफी सारे सामग्री वगैरह इस आंदोलन में प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ तो बहुत सारे लोग लंगर भी करते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बता सकते हैं कि क्या मुद्दा है, क्या मैटर है, पूनम मां रोई, उसका एक वीडियो मैंने देखा है, और यहाँ पे कौन से शख्सियत है कोई किसी को मना से कर सकता है, क्योंकि ये जगह किसी की बपौती नहीं है। पहली बात आप ये समझिए, जितने भी लोग हैं एक्टिविस्ट, उन्होंने अपना समर्थन किसान आंदोलन को दिया है, किसी व्यक्ति विशेष को हमने नहीं दिया, चाहे कोई भी हो। तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला संगठन ने इनको मना नहीं किया, ये लाइन अच्छे से सुनिएगा, संगठन ने इनको मना नहीं किया, लेकिन ये जो मंच है, ये मंच है किसानों के लिए, जो मुझे बताया गया, मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ, ये मेरी कोई इंडिविजुअल राय नहीं है, पहले ये भी मैं बता दूं। तो मैंने पूछा फिर कारण क्या बना, तो उन्होंने बोला कि यहाँ कई सारे इंटरव्यूज यहाँ पूनम जी के हुए, यहाँ उनके निजी जीवन के चर्चे हुए, जब मसलन जैसे किसी के साथ शादी होने का या कोई लड़का होने का, लड़का को पसंद करने का, तो हमने केवल ये बोलने का प्रयास किया कि इस मंच से केवल किसानों की बात करें। तो मैंने कहा अगर इस मंच से किसानों की बात करें, तो इस आंदोलन में उनको आने के लिए तो आप मना नहीं कर सकते। कहता किसी ने मना नहीं किया, क्योंकि औपचारिक तौर पे अभी तक कोई ऐसा लेटर डॉक्यूमेंटेड नहीं है, कोई एविडेंस डॉक्यूमेंट नहीं है जो ये कहे कि पूनम जी को मना किया, क्योंकि मैं भी तमाम आंदोलन में हूँ। और दूसरी बात, मैं इनकी मेहनत को देखता हूँ, और किसी का व्यक्तिगत क्वेश्चन, जैसे आप मीडिया वाले हैं, तो मैं तो केवल एक बात बोलूंगा, मीडिया को ये राइट है सब पूछने का, मुझसे भी पूछा जाता है, आप लोग भी पूछते हैं, लेकिन ये हर एक्टिविस्ट को तय करना है कि हमें कौन से प्रश्न का उत्तर देना है या नहीं देना है, लेकिन इसके ऊपर कोई तीसरा विवेचना नहीं कर सकता, ये किसी का राइट नहीं है, और इसके वजह से कोई किसी का यहाँ आने का रोकथाम भी नहीं कर सकता। मुझे तो ये बताएं,
आप आई हैं, क्या क्या कहना है आपका? आप नाम मैं नाम भी बताऊंगा तो उसका नाम अगर आप मैंने बता दिया, आपने पहले भी सुन लिया, आप गौर नहीं कर रहे। मैं आई हूं और यहां पे ही रहूंगी, मैं इनको अपना समर्थन करती हूं और आगे इन फ्यूचर करती रहूंगी। युवाओं के साथ मैं हूं, उनका इतना मुझे सहयोग मिला है और किसानों का इतना आशीर्वाद मिला है, मुझे तो कोई जानता ही नहीं था, मेरी पहचान किसानों से है, तो मैं इनके साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। ये अधिकार तो मुझे सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं छीना है। इसका मतलब तो ये हुआ ना, फिर आने से नहीं रोका गया है, बल्कि जो जो इंटरव्यू हो रहे हैं उसको लेकर कहा। देखिए मैं एक बात बोलूंगा, आपका जो मंच है जिस जगह पे आप खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ वेटरन एसोसिएशन के साथ और ये समर्थन दे रहे हैं, रिटायर्ड फौजी है, जवान है, ये समर्थन देने आए किसान आंदोलन का। व्यक्तिगत तौर पे मैं एक अपील करूंगा आप सभी से, आप विभिन्न तरह के प्रश्न हमसे भी पूछते हैं, आप लोग का राइट है, क्योंकि आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आप लोग गोदी मीडिया नहीं है, ये आपका राइट है। लेकिन मैं आप लोगों से भी एक अनुरोध करूंगा, यहाँ बहुत सारे लोग हैं और आपको पता है संगठन में भी बहुत लोग होते हैं, हर व्यक्ति का अपना एक होता है। मैं नहीं चाहूंगा कि पूनम पंडित जैसा हमारी छोटी बहन, क्योंकि उभरती हुई किसान नेता है ये, आपको ये बात समझने होगा, उभरती हुई है, और मंच पे ऐसे कई लोग भी होते हैं जो नहीं पसंद करते कि नया यूथ खड़ा हो। लेकिन मैं एक बात आपको बोलूंगा, तमाम मंचों से हम बात करते हैं कि कोई भी मुद्दा हो, हम परिवारवाद के भी सख्त खिलाफ हैं, ये देश की बेटी है, किसान की बेटी है, किसान के लिए आवाज उठाती है। पर आप लोगों से अनुरोध करूंगा इस मंच पे ज्यादातर क्वेश्चन जो आप पूछना चाहें किसान आंदोलन से संबंधित पूछिए, क्योंकि पूरा देश इस आंदोलन को देख रहा है, आप लोगों के इंटरव्यूज को भी देखता है। लोगों का कहना है कि ऐसी पूछा कि क्या बोलते हैं आप, मैंने कहा मेरे ये चला था ना लॉकडाउन हुआ था, तो मैंने कहा भैया शादी बिगड़ गई इसलिए आंदोलन में की, कैसे बिगड़ गई, तो जो एक बिल्कुल मेन बात थी, सच बात थी, मैंने वो रख दी। आप जैसे भाई पूछने लगे कि क्यों, तो मैंने बता दिया कि भाई लॉकडाउन हो गया, पैसे नहीं रहे लोगों के पास में, मेरे पास भी नहीं रहे, जिनसे उधार मांगो वो नहीं दे रहे, तो ये मैंने सच बोला। अब मेरी गलती है कि मैंने सच बोला, मैंने कहा हम थोड़ी आंदोलन में आते भाई, हमें थोड़ी पता चलता देश में आंदोलन हो रहा है, क्या पता मेरे हस्बैंड नहीं अलाउ करते, ऐसे भी तो हो सकता है, हर किसी के पति नहीं अलाउ करते, तो मैंने कहा अगर ब्याह हो जाता तो नहीं आते भैया, ब्याह बिगड़ गया इसलिए आगे क्या